भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। भारत की जीत के लिए कोहली ने कमाल की पारी खेली और 103 रन बनाकर नाबाद रहे। दिखाएंगे पूरा वीडियो, उससे पहले चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों आपको बता दें कि कोहली ने अपने वनडे करियर का 48वां शतक पूरा किया, तो वहीं कोहली के शतक पूरा होने में केएल राहुल का भी हाथ रहा। राहुल ने कोहली को शतक पूरा करने के लिए मोटिवेट किया, जिसके कारण किंग कोहली शतक लगाने में सफल रहे। वहीं दूसरी ओर मैच के दौरान एक ऐसी भी घटना घटी जिसने विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल जब कोहली 97 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत को जीत के लिए 2 रनों की दरकार थी, ऐसे में गेंदबाज मुस्तफा अहमद 42वां ओवर कर रहे थे, तभी एक गेंद डाउन द लेग पड़ी जिसे कोहली ने छोड़ दिया। गेंद विकेट कीपर के पास गई, लेकिन लेग साइड की लाइन में गेंद होने के बाद भी अंपायर रिचर्ड केटलेबरो ने उस गेंद को वाइड करार नहीं दिया, जिसका फायदा कोहली ने उठाया और बाद में छक्का लगाकर भारत को जीत ही नहीं बल्कि अपना शतक भी पूरा किया। ऐसे ही क्रिकेट के खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।